अब जब हम मोबाइल लेंसेज की बात करते हैं तो इस चैनल पे आप पहले देख चुके हो वीडियोस जैसे कि मैक्रो लेंस, टेलीफोटो लेंस, बट आज जो ये लेंस है ये काफ़ी यूनिक है अपने आप में, बिकॉज मैंने ऐसा पहले कभी कुछ भी नहीं देखा ना यूज़ किया है। ये जो एक लेंस है दिस इज़ बाय अ ब्रांड जो सबको पता है, सोनी। बट इसके बारे में खास बात क्या है कि ये जो लेंस है ये कैमरा में अटैच नहीं होता, तो आपके फ़ोन में चाहे एक बेसिक कैमरा हो, चाहे एक आईफोन हो, चाहे कोई भी फ़ोन हो, उससे मतलब नहीं है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर एक इनबिल्ट सेंसर है, तो आपको फ़ोन का कैमरा यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप में ही एक कैमरा है, बेसिकली एक माउंट है जो आपके फ़ोन में अटैच हो जाता है। क्यों? बिकॉज इसकी एक एप्लीकेशन है जिससे आप देख सकते हो कि ये जो सेंसर है, इसको आप कैमरा भी बोल सकते हो, वो क्या देख रहा है। और आप में से कोई एक लकी विनर इस कैमरा को जीत सकता है, बिकॉज मैं इसका गिव अवे कर रहा हूँ जिसकी डिटेल्स मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो लेंस है ये सोनी का एक लेंस है जिसका जो सेंसर साइज है दैट इज 1/2.3। तो आज के फोन के हिसाब से ये सेंसर थोड़ा छोटा है, बिकॉज अभी 1/1.2, 1.3 तक सेंसर्स आ चुके हैं। अगर हम बजट फोन्स की भी बात करें तो 1/2 इंच ईजिली मिल जाता है। आई थिंक ये रिलीज़ 4-5 साल पहले हुआ था, उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी थी। बट यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन्स हैं, एक है टेली और वाइड, तो इसमें बेसिकली 10x ऑप्टिकल जूम है। तो अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूँ तो हम 25 से लेकर 250 mm तक जा सकते हैं, एक अगर मैं कैमरा के हिसाब से बात करूँ। बाकी यहाँ पे एक फिजिकल बटन है जिसको अगर मैं हाफ प्रेस करूँगा तो ये फोकस करता है, फुल प्रेस करने पे फोटो ले सकते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग छोटा सा डिस्प्ले है जो बेसिकली बैटरी लेवल दिखाता है, तो अगर आपको ये देखना है कि बैटरी इसमें कितना बचा है वो छोटे से आइकन में दिख जाता है यहाँ पे। बाकी यहाँ ऊपर एक ऑन ऑफ का बटन है, और इस तरीके से मैं अगर इसको अनलॉक करता हूँ तो ये बेसिकली लेंस अलग हो जाता है। ये एक होल्डर है, तो अगर आप फ़ोन पर इसको यूज़ करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो आप चलते हैं और कुछ शूट करते हैं। तो अभी पहला स्पॉट जो हमें मिला है, यहाँ पे एक डक है और बहुत बढ़िया पानी का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना फुल मैक्सिमम जूम करते हैं, 10x जाते हैं। और एक बार मैं आपको यहाँ पे फ़ोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा कि हमें कैसा प्रीव्यू दिख रहा है और फाइनल रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो अभी एक काम करते हैं, एक बार ज़रूरी नहीं है इसको 10x पे यूज़ किया जाए, क्योंकि इसमें जो बेसिक एंगल ऑफ व्यू है जो 1x पे आता है वो स्टैंडर्ड कैमरा जो अपने कैमराज में रहता है वैसे ही है, नॉर्मली 24 से 25 mm में रहता है, तो इसका स्टैंडर्ड भी 25 mm है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बेसिक शॉट्स लिए जाएँ स्टैंडर्ड पे और देखते हैं एक बार कि कैसी क्वालिटी आती है। अभी डे टाइम है, बढ़िया लाइट है। तो अभी हमें वाइट टाइगर स्पॉट हुआ है जो एकदम साइड में छाँव में बैठा हुआ है, थोड़ा दूर रेंज है नॉर्मल फ़ोन से। अगर मैं शॉट लूँगा 1x पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो कुछ आपको दिखेगा ही नहीं वाइट टाइगर, तो यहाँ पे 10x काफ़ी काम आएगा। तो एक बार मैं जाता हूँ 10x पे एंड देखते हैं क्या शॉट निकल सकता है। तो अभी आप 1x देखोगे तो हार्डली वाइट टाइगर दिख रहा है, तो एक बार इसको पूरा टेलीफोटो कर लेते हैं। यहाँ पे अब विजिबल होना स्टार्ट हो गया है, तो ये अच्छा है, आगे पत्ते मैं ले रहा हूँ ताकि थोड़ा डेप्थ आउट हो जाएगा। और बढ़िया चीज़ क्या है, इसमें टैप करके मैं फोकस ले सकता हूँ, फोकस एक्सपोजर दोनों ये बेसिकली टैप से ले रहा है, तो ये अच्छा मोमेंट है। नाइस, अब इसमें एक चीज़ बढ़िया है कि ऑल्दो इसके अंदर ऑप्शन है कि आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, अब जैसे कि अभी मैं जल्दी जल्दी में कार्ड भूल गया तो ऑटोमेटिकली फ़ोन में आप फोटो को सेव कर सकते हो, तो सेटिंग में ऑप्शन मिलता है, अगर मैं उसको एनेबल कर देता हूँ तो आप जो मेरी सारी फोटोज़ हैं जो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली फ़ोन में आ रही हैं, और इसको डायरेक्टली मैं सोशल मीडिया पर यूज़ कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हमने पूरा शूट 4K 50 FPS सी लॉग में शूट करा है, और मेरा जो सिस्टम है अच्छा है बट इतना अच्छा नहीं है कि इतनी हैवी फाइल चला सके, और इस वीडियो को एडिट करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मेरे पास ऑप्शन था यहाँ तो मैं प्रॉक्सी बना के एडिट करूँ, बट एट द सेम टाइम वंडरशेयर ने मुझे रीच आउट किया यूनी कन्वर्टर सॉफ्टवेयर के बारे में। अब यूनी कन्वर्टर में मैं अपनी वीडियोज़ को कंप्रेस भी कर सकता हूँ, कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। अब जब मैं वंडरशेयर यूनी कन्वर्टर ओपन करता हूँ मुझे ऊपर 3 मेन ऑप्शन मिलती है, कन्वर्टर, डाउनलोडर और कंप्रेसर। तो मुझे यहाँ पे कंप्रेस करना, मैं कंप्रेसर पे जाऊंगा और लेट्स सपोज मैं ये वाली फोटेज ले लेता हूँ इसी वीडियो से। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन फर्दर मिलती है और बहुत एडवांस्ड ऑप्शंस मिलती हैं। मैं यहाँ सेटिंग्स में जाके यहाँ से सबसे पहली चीज मैं कितना परसेंट कंप्रेस करना चाह रहा हूँ वो डिसाइड कर सकता हूँ, और मुझे यहाँ पे 3 क्वालिटी मिलती है, लो, स्टैंडर्ड एंड हाई क्वालिटी। फॉर्मेट भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, पर मैं इसको MP4 पे ही रखूंगा। और एडवांस सेटिंग में जाके बहुत सही चीज है, जो बिटरेट है ना इसको भी मैं मैनुअली कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मुझे अभी पता लगा कि यूनिक
कन्वर्टर क्लेम करता है कि मैं अपनी फाइल को 1/9 टाइम कंप्रेस कर सकता हूँ विदाउट एनी क्वालिटी लॉस। एंड बीग अ कैनन R5 यूजर मैं 4K इवन 8K वीडियो को भी कंप्रेस कर सकता हूँ। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम मल्टीपल डिवाइसेस से शूट करते हैं लाइक ड्रोन, एक्शन कैमरा, कैमरा और स्मार्टफोन, और ऐसी सिचुएशन में मैं यूज कर सकता हूँ यूनी कन्वर्टर का कन्वर्टर टूल। और नीचे की तरफ मुझे सारी ऑप्शंस मिल जाती है किस फॉर्मेट में मुझे इसको कन्वर्ट करना है। MP4 है, MOV है, AVI है, और उसके अंदर भी फर्दर ऑप्शंस हैं 1080p, 720p, 4K एंड इवन 8K। अच्छा, एक लास्ट टूल मैं बता दूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास क्या होता है, कई बार पुरानी वीडियोस की ओरिजिनल फाइल्स नहीं होती, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यूट्यूब पे जाके, फॉर एग्जांपल ये वीडियो मेरी चल रही है और यहाँ से मैं इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, वीडियो डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो डाउनलोडर टूल पे मैं जैसे ही जाऊँगा ना, ये ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कर लेगा यूट्यूब से वीडियो और उसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ और इवन उसका थंबनेल भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि वंडरशेयर यूनी कन्वर्टर आपके लिए एक ऑल इन वन सॉल्यूशन हो सकता है, तो ये फ्री टू ट्राई सॉफ्टवेयर आप अभी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट और यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो अब गिव अवे की बात करते हैं, आपको सिंपल 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप इस चैनल पे सब्सक्राइब होने चाहिए बिकॉज हम बहुत जल्दी 1 मिलियन पहुंचने वाले हैं। दूसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, आपको नीचे कमेंट करके बताना है ये जो कैमरा है आपको क्यों जीतना चाहिए गिव अवे में, आप इसको कैसे यूज करोगे, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा एज अ फोटोग्राफर या वीडियो फिल्म मेकर। और जो विनर सेलेक्ट होगा वो मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज में अपडेट हो जाएगा, वहां पे आप चेक कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द गिव अवे। अब एक थोड़ा बड़ा इशू मुझे लग रहा था आईफोन में, वो ये है कि कनेक्टिविटी का, जब मैं स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहा था, जब मैं शूट भी कर रहा हूँ, बहुत लैग आ रहा था और कई जगह अटक रहा था। तो फाइनली मैं एंड्रॉइड पे मूव कर रहा हूँ और देखते हैं एंड्रॉइड में वो दिक्कत आती या नहीं आती। अब एंड्रॉइड में स्विच करने के बाद भी मुझे लैग मिल रहा था, कहीं ना कहीं स्क्रीन हैंग हो रही थी, उतना प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं था। कभी कभार हो रहा था एकदम सही हो रहा था, कभी कभार रेजोल्यूशन बहुत कम आ रहा था। कुछ ना कुछ इशू है, बिकॉज ऑनेस्टली ये जो कैमरा है या ये जो लेंस है 8 साल पहले लॉन्च हुआ था, तो तब की टेक्नोलॉजी और अब की टेक्नोलॉजी में थोड़ा फर्क तो आ ही गया। ओके, तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पैच बन रहा है अभी। क्या है कि एक पेड़ है जो नीचे की तरफ है और रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो आप ये देखो, अब ये मुझे स्टैंडर्ड एंगल ऑफ व्यू में मिल रहा है, और अपने फ़ोन से अगर मैं जूम करके एक पर्टिकुलर पैच लेना चाहूँगा उसमें क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये फ़ायदा है 10x का। तो मैं कितना भी एक बार जूम करके देखते हैं कितना यहाँ पे मुझे पैच सही मिल रहा है, जो आई थिंक 8x के आसपास होगा। तो एक बार ये शॉट लेते हैं और इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके आप देखो कितना बढ़िया लगता है। तो ये फ़ायदा रहता है इस तरह के लेंस का कि मैं 10x ऑप्टिकली जूम जा पा रहा हूँ, जबकि मेरे पास इतना रिस्ट्रिक्शन है, मैं इसके आगे नहीं जा सकता। तो अब हम एक पोर्ट्रेट ट्राई कर रहे हैं, जो आप अभी कैमरा एंगल देख रहे हो वहाँ पर रहते नहीं बैठा हुआ है। तो मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको दिखेगा, एक बार मैं 10x कर लेता हूँ फुल, तो ये पूरा 10x है, और एक बार फोकस लेते हैं। तो अब अगर मैं सैम्पल को जूम करके देखूँ, सब्जेक्ट पे पूरा फोकस है और क्वालिटी एकदम सही है। ये क्वालिटी अगर मैं फ़ोन से 10x करूँगा तो वो आउटपुट नहीं मिल पाएगा। अब हमें लगा था कि 10x पे पोर्ट्रेट्स बहुत बढ़िया आ सकते हैं, बहुत बढ़िया ब्लर इफेक्ट मिलेगा, आप भी वही सोच रहे होगे, बट उसका उल्टा हुआ है बेसिकली। यहाँ आप कुछ सैम्पल्स देखो, अभी जब हम पोर्ट्रेट्स ले रहे थे एक दूसरे के, तो डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत वाइड डेप्थ ऑफ फील्ड है, लाइक सब कुछ फोकस में आ रहा है। आप भी फोकस में आओगे, पीछे जो लास्ट पेड़ है वो भी फोकस में आएगा, क्योंकि इस तरीके से बना है। छोटा सेंसर है, उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं मिलता, बट एक फ़ायदा है कि जो क्वालिटी है वो काफ़ी इंटैक्ट है, बहुत शार्प है 10x पे भी। ये फ़ोन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अनलेस आप हाई एंड 1.5 लाख का सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, जैसे S22 Ultra। बट अगर आपका स्टैंडर्ड फ़ोन है, आप 10x में कुछ ऐसे पोर्ट्रेट्स लेना चाहते हो, उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। तो अभी हमने कुछ स्टैंडर्ड में भी पोर्ट्रेट्स लिए हैं नॉर्मल शॉट्स, उसमें भी डेप्थ कुछ खास नहीं है। ये नॉर्मल फ़ोन से भी अगर मैं लूँगा उसमें बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा थोड़ा बहुत, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से इस प्रोडक्ट को देखोगे कि जूम ज़्यादा है तो ब्लर भी ज़्यादा मिलेगा, उसमें थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। अब इस कैमरा या लेंस जो भी कह लो, उसका बेनिफिट ये भी है कि तो ड्रॉप टेस्ट भी हो गया, पता लग जाएगा कि ये चल रहा नहीं चल रहा। एनीवेज, तो इसका फ़ायदा ये है कि इसको मैं रिमोटली भी यूज़ कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है फ़ोन के ऊपर लगेगा तभी चलेगा। तो अगर मैं हाथ में भी पकड़ रहा हूँ या कोई ऐसा मुझे काफ़ी अच्छे फ्लावर दिखे, मैं फ़ोन वहाँ नहीं ले जा पा रहा, तो इस तरीके से मैं लेंस को होल्ड करके एक डिस्टेंस पर भी लेके जा सकता हूँ। और बट हाँ, मान लेते हैं कि आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई या आप फ़ोन पर कनेक्ट करना नहीं चाहते, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्यों? बिकॉज अपने आप में ये कैमरा है, जैसे मैंने बताया इसका अपना सेंसर है, अपना चिप है, अपने लेंसेज हैं। तो यहाँ फिजिकल बटन दिया गया है क्लिक करने का इधर से, तो मैं हाफ बटन फोकस करके क्लिक भी कर सकता हूँ। प्रीव्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है, तो आप फोटो ले सकते हो, प्रीव्यू नहीं कर सकते। और इसी से हमें अभी आइडिया आया जो हम आने वाली वीडियो में करेंगे, दैट इज फोटो चैलेंज इस कैमरा से, ताकि हम फोटो ना देख पाए बट हम
क्या सोच रहे हैं वो फोटो लें और बाद में हम देखेंगे कि क्या फोटोज आई हैं, उसके लिए यू कैन स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल और आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब एक बार इसमें मोड्स देख लेते हैं। यहाँ पे मोड का ऑप्शन है, तो फोटो और वीडियो मोड है। पहले हम फोटो मोड की बात करेंगे। सो मैनुअल मोड ऐसा कुछ नहीं है, एक एक्सपोजर मोड है बेसिक जो ऑटोमेटिक एक्सपोजर लेगा। देन यहाँ पे एक इंटेलिजेंट मोड है जिसमें अपना कुछ एल्गोरिदम अप्लाई करता है। बट यहाँ पे मैं जाऊँगा प्रोग्राम मोड पे। अब प्रोग्राम मोड में मुझे एक्सपोजर कंपनसेशन मिलता है, बिकॉज यहाँ पे जो आप ये सीन देख रहे हो अभी मेरे हिसाब से वो हल्का ओवर एक्सपोज है, तो मैं स्केल में जाके ना एडजस्ट कर सकता हूँ। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि एटलीस्ट एक्सपोजर कंपनसेशन है। तो इस तरीके से एक दो शॉट्स लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैंने बताया, इसमें एक चीज़ अच्छी है कि प्रोग्राम मोड मिलता है जिसमें हम एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मुझे वैल्यूज़ मिल रही हैं 0 to -2 +2, बट स्टिल इसमें प्रो मोड का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप प्रो मोड में शॉट लेना चाहते हो उसके यूज़ टू हो, वो एक चीज़ है आप इसमें मिस करोगे, बट स्टिल 10x जूम मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक कंपनसेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे वाइट बैलेंस के भी कुछ ऑप्शन हैं, ऑटो वाइट बैलेंस है, देन प्रीसेट्स हैं काफ़ी सारे, तो ये सही चीज़ है। आप यहाँ पे प्रीसेट्स भी ले सकते हो अपने हिसाब से अगर वाइट बैलेंस एडजस्ट करना है। उसके बाद टाइमर का भी ऑप्शन है, 2 सेकंड और 10 सेकंड टाइमर मिलता है। फॉर एग्जांपल आप ट्राइपॉड पे यूज़ कर रहे हैं, लो लाइट सिचुएशन में आप फोटोज निकाल रहे हो। तो अब एक काम करते हैं, वीडियो भी इससे शूट कर सकते हैं बिकॉज इसमें डेडिकेटेड वीडियो मोड है। तो एक बार देखते हैं 10x पे वीडियो कैसा आता है। तो पहले मैं यहाँ से मोड स्विच कर लेता हूँ वीडियो पे, और वीडियो में एक स्टैंडर्ड मोड है, कोई मैनुअल है ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है प्रोग्राम वगैरह। अब एक चीज़ मैंने देखा, वीडियो में जाते ही इसके एकदम कलर्स चेंज हो गए हैं। आई एम नॉट श्योर वाई, अजीब सा कुछ कलर कास्ट आ रहा है। बट एक बार इसको फुल 10x पे लेके जाता हूँ, और सही यार क्वालिटी तो प्रीव्यू में अच्छा लग रहा है। एक बार थोड़ा फुटेज रिकॉर्ड करते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस विद दी साइबर शॉट। क्या मॉडल है, DSC QX10। काफ़ी इंप्रेसिव है कंसिडरिंग कि 8 साल पहले ये टेक्नोलॉजी आई थी, तब मैंने अगर यूज़ किया होता है, आज से 5 साल पहले तक भी ये चीज़ काफ़ी यूज़फुल थी, अभी के टाइम में मुझे उतना यूज़फुल नहीं लगता। 6,500 का ये लेंस या कैमरा आता है। तो अगर आपके पास उतना बजट है, आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हो, तब तक ठीक है। बट अगर आप देख रहे हो कि क्या ये कैमरा रिप्लेसमेंट है, क्या ये DSLR, मतलब मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा क्या ये DSLR को रिप्लेस कर सकता है, नहीं नहीं कर सकता, वैसी क्वालिटी नहीं है ना वैसा सेंसर है। बट हाँ, एज अ फन अगर आप यूज़ करना है आप ट्राई कर सकते हो। आप लोग बताना यार ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसी वीडियोस हम और करना चाहते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। प्लीज़ जो भी आपकी प्रोडक्ट सजेशन है, जो आप चाहते हो हम रिव्यू करें इस चैनल पर, वहाँ भी आप जाके सजेशन दे देना। और हम 1 मिलियन बहुत जल्दी क्रॉस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपको पता है आपको क्या करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।